नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अपर्णा मौजम और मेरे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान है, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव, जिन्हें जनता प्यार से टीएस बाबा कहकर बुलाती है। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। सर, सवाल की शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि कल एक बहुत बड़े मुद्दे पर मोदी सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर। लगता है पूरी तैयारी से वो कैबिनेट निर्णय नहीं लिया। ये कैबिनेट निर्णय के बाद ही एक कमेटी बनानी पड़ी कंसल्टेशन के लिए। तो लगता है कि एक मुद्दा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है नेशनल पॉलिसी के रूप में, पूरे देश की व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, उसमें आपकी तैयारी नहीं। एक साल में ही कमेटी ने रिपोर्ट दे दी और उसके बाद इसको लेकर बिल लाने की तैयारी सरकार की, क्यों विपक्ष इसे बता रहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है? क्या खामियां हैं? क्योंकि सरकार के पास तो लंबी फेरिस्त गिनवाने के लिए। एक साल तो पूर्व राष्ट्रपति जी की कमेटी को लगी जी। और कैबिनेट डिसीजन के बाद तुरंत ही अपने राजनाथ सिंह जी की कमेटी बनानी पड़ गई। ये दिखाता है कि आप तैयार नहीं हो। राष्ट्रपति जी की कमेटी के बाद में कैबिनेट निर्णय और कैबिनेट निर्णय के बाद में राजनाथ सिंह जी के 3 सदस्यीय समिति अब चर्चा करेगी, यानी आप खुद ही तैयार नहीं है। तो जल्दबाजी क्यों की गई जी? लोग वही कहते हैं कि नया एक कुछ छोड़ दो, बात नई चर्चा छेड़ दो, बाकी चीजों शगुफा ध्यान हट जाए। अगर आप सीरियस होते तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की यही इलेक्शन एक साथ करने के लिए आप पहल करते इलेक्शन कमीशन से। अगर ये बहुत गंभीर मुद्दा आपके लिए होता तो इन्हीं चुनावों को आपने राजनीतिक सुविधा शायद देखी जी। कि हमारे सीनियर लीडर्स को प्रचार करने का मौका वहाँ अलग मिल जाएगा, यहाँ और टाइम मिल जाएगी, टफ इलेक्शन है। तो कमिटमेंट एक नीति के लिए आपका नहीं है। दूसरा, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने पूछा, तो मेरी सोच में जो मुख्य बाधा है या बाधाएं हैं वो ये हैं कि आज संविधान ये कहता है कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होके आएगी उसको आपने फिक्स टर्म दिया है 5 साल का, 2025 में मान लीजिए 1 जनवरी से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया जी, और 5 साल के लिए आपने सभी राज्यों के और देश के चुनाव करा दिए। 2 साल बाद कोई एक गवर्नमेंट गिर जाती है, या केंद्र की या राज्य की जी, हाउस डिसॉल्व हो गया, आपको दोबारा चुनाव कराना है। अब संविधान कहता है कि जो गवर्नमेंट आएगी उसको 5 साल का समय, तो 2025 के बाद 2 साल, 2027, अब वो 5 साल, 2032, बाकी जो हैं वो 2030 में चुनाव में जाएंगे, ये 2032 में चला गया। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि नहीं, 5 साल के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, अब इस बीच में अगर सरकार गिरती है तो बैलेंस पीरियड के लिए आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, नहीं तो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। में कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है, एकदम साफ 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 दिखता है। तो वो तब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा जब तक संविधान संशोधन ना आए। तो आपको 2/3 बहुमत से नया संविधान संशोधन लाना पड़ेगा, फिर उसको लागू करना पड़ेगा। इसकी एक प्रैक्टिकलिटी कि अगर 4 साल में सरकार गिरती है और 1 साल के लिए ही आपको गवर्न करना पड़ेगा, तो 1 साल तो 6 महीने तो आपको लगेंगे समझने के लिए नई सरकार को, 6 महीने बाद इलेक्शन आ जाएगा, तो आप काम क्या करोगे जी? 5 साल क्यों? ताकि रीजनेबल समय मिले उस गवर्नमेंट को काम करने के लिए। इन व्यवस्थाओं में आप समय ही नहीं दोगे नई सरकारों को जो गठित होंगी 5 साल का पीरियड पूरा करना, एक ये बाधा आएगी। दूसरा, अब आप चालू कैसे करोगे? एक कट ऑफ डेट, सपोज 1 जनवरी 2025, अलग अलग राज्यों में और केंद्र की जो पार्लियामेंट की सरकार बनी है सांसदों के चुनने के बाद में, इन सबको आप भंग करोगे। अभी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो रहे हैं जी, सितंबर में हो जाएंगे। अक्टूबर में 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और 1 जनवरी को भंग होके फिर चुनाव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कट ऑफ डेट कुछ भी जी, हो सकता बिल्कुल, है हाँ। फिर दिल्ली की सरकार, अभी जून में काउंटिंग हुई, ये दिल्ली की सरकार भी भंग होगी, केरल की भी, तमिलनाडु की भी, कर्नाटक की भी, आंध्र की भी, तेलंगाना की भी, उड़ीसा की भी, पश्चिम बंगाल का क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का क्या होगा, झारखंड का तो मैंने 4 में गिना दिया, बिहार का क्या होगा, यूपी का क्या होगा, उत्तराखंड का क्या होगा, हिमाचल का क्या होगा, राजस्थान, अपना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन लोग का क्या होगा। अब
कट ऑफ डेट के चलते क्या करोगे, इन लोगों को 5 साल के लिए चुनी हुई सरकारों को गिरा दोगे। तो ये जो प्रैक्टिकलिटी है इम्प्लीमेंटेशन की, ये मुझे नहीं दिख रहा है कि कंसेंट मिलेगा। ठीक है, सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो उनके पास नंबर्स हैं, मतलब जो पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज जिनके खतरे की बात विपक्ष उठा रहा था, वो तैयार हैं। विपक्ष की और सरकार की तरफ से एक और पॉइंट यहाँ पर रखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद तो कुछ चुनाव इसी फॉर्मूले पर हुए, तो फिर अगर हम वापस उसी फॉर्मूले को लेकर आ रहे हैं तो ऐतराज़ का कोई ठोस आधार नहीं है। अमेंडमेंट्स तो किए जाएंगे अगर जाहिर तौर पर अगर बिल लेकर आना है तो। बात हुई, मैं कहने की कोशिश कर रहा था 2025 से चालू किया था, 2052 से चालू कर लीजिए। हुआ क्या कि क्योंकि संविधान में 5 साल का टर्म है नई गवर्नमेंट को काम करने का, तो 52 में जो चुनाव हुए वो 57 तक होने थे, गवर्नमेंट को रहना था। 55 में एक सरकार गिर गई, उदाहरण के लिए उस सरकार को 5 साल का समय मिला, तो जो 57 में चुनाव होने थे उनके 59 में चुनाव हुए। तो कैसे हो सकता है, जब तक कि आप टर्म को लिमिट नहीं करोगे 5 साल के अंदर, जी, जी, जी। हो ही नहीं सकता, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है अनलेस जब तक आप ऐसा नहीं करोगे कि हाँ 5 साल का जो चुनाव का समय है वो होना ही, उसमें अगर 10 बार सरकारें गिरेंगी तो 5-5 महीने के लिए काम करेगी। ठीक है सर, अब इससे आगे निकल कर आते हैं हरियाणा इलेक्शन पर जो चल रहे हैं, क्योंकि हरियाणा मैनिफेस्टो आपका उसमें बड़ी भूमिका रही, कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रभार आपके पास है। ये कहा गया कि जो हरियाणा का मैनिफेस्टो आया उसमें 2018 के छत्तीसगढ़ वाले मैनिफेस्टो की काफ़ी रिजेम्बलेंस देखने को मिली। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में इस बार जनता का मूड या जो कांग्रेस की मेहनत है वो इस तरफ है कि जनता हरियाणा में कांग्रेस की सरकार लेकर आ पाए? बाहर से जो सुनने में आता है वो तो यही है कि चेंज होगा और कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, लगभग ये सभी मान रहे हैं, कांग्रेस पर्सन्स भी, आम जो खबर आती है वो भी, मीडिया के साथियों से बात होती है वो भी, बीजेपी के साथियों से बात होती है वो भी कहते हैं अब की तो मुश्किल। तो चेंज तो दिख रहा है, चेंज दिख रहा है सर, चेंज तो दिख रहा है, मूड में हम मान सकते हैं कि ठीक है एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर नाराज़गी है, काफ़ी वोकल है लोग वहाँ आकर। लेकिन एक और चीज़ है, वो है कांग्रेस की गुटबाजी। क्या आपको लगता है कि ये समझना होगा कांग्रेस के हर नेता को कि हमें अगर सत्ता में आना है तो हमें तमाम अपने जो इश्यूज हैं उनको भुलाकर पार्टी के हित में काम करना होगा, समझ पा रहे हैं सब लोग? मैंने कोई राजनीतिक दल नहीं देखा जिसमें गुट नहीं है। जी, आप बीजेपी को देखिए तो उसमें ग्रुप दिखते हैं, एक राय नहीं दिखती। मोदी जी, अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, मान लीजिए ये तीन कुछ ज्यादा मिले जुले दिखते हैं। राजनाथ जी की बात आती है तो आदमी सोचने लगता है क्या है, गडकरी जी की बात आती है तो आदमी सोचने लगता है कि क्या है, एक टीम है या अलग राय है, अलग विचार है। तो कोई दल ऐसा नहीं है, आप कम्युनिस्ट पार्टी ले लीजिए, आप RJD ले लीजिए, उनमें चाचा भतीजा अलग हुए, आप समाजवादी पार्टी ले लीजिए उसमें वैसा हुआ, आप तृणमूल कांग्रेस ले लीजिए उसमें ऐसा हुआ, आप उड़ीसा में बीजू जनता दल ले लीजिए उसमें स्प्लिट हुआ, कौन सा दल है जिसमें कि विचार अलग नहीं होते? कम से कम हो ताकि अलग विचारों का एक समूह के अंदर, चाहे वो पार्टी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, नकारात्मक असर कम से कम हो, ये लीडरशिप की जवाबदारी है। अलग राय ना हो ये तो संभव नहीं है और वो हेल्दी है, अच्छा है। लेकिन खोने के ज्यादा जो स्टेक पर वो कांग्रेस के पास रहता है, ऐसा प्रचार में है। प्रचार से मैं आती हूँ राहुल गांधी पर। राहुल गांधी का एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला और जाहिर तौर पर उसका फायदा जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को हुआ। कहा गया कि एक नैरेटिव कम्प्लीटली 360 डिग्री चेंज हुआ राहुल गांधी को लेकर। लेकिन राहुल फिर अमेरिका गए और उसके बाद वहाँ उन्होंने जो जो बोला, जिस जिस मुद्दे पर अपनी राय रखी, उस मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान के अंदर विवाद हुआ। सिलेक्टिव एक्सर्प्ट्स को प्रस्तुत करने का भी एक चलन तेज हो गया है। अभी जो हाल में बयान आ रहे हैं राहुल जी के संदर्भ में, उनको उनकी दादी जैसा हाल हो जाएगा, उनकी जबान काट के लाओ, 11 लाख रुपए देंगे, सलाके से उनकी जीभ को छेद कर दो, वो नंबर वन टेररिस्ट हैं, इस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं वो किस संदर्भ के आ रहे हैं?
एक मीटिंग में मैं भी कुछ उसके एक्सेप्ट को मैंने भी देखा, वो बोल रहे हैं मंच पे और एकदम से पूछते हैं कि ब्रदर एक सिख समाज के रहे होंगे, वो दिखाया तो नहीं, उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, और फिर उनने कहा कि आज देश में जो वैचारिक द्वंद चल रहा है, वो शब्द अलग है, वो किस बात का है, वो इस बात का है कि क्या आने वाले समय में सिख को पगड़ी पहनने का अधिकार रहेगा कि नहीं, कड़ा पहनने का अधिकार रहेगा कि नहीं, कृपाण उनने नहीं कहा लेकिन कृपाण जोड़ दीजिए, और यही बात अन्य धर्मों के साथ जुड़ी, तो विचार क्या है इसके पीछे, वो कह क्या रहे, उनने सिख समाज में आज ऐसा हो रहा है नहीं कहा, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन रिलीजन, हम किस तरफ जा रहे हैं। उनका जो वक्तव्य था, 15 मिनट तो वो बोले ही थे, ज्यादा बोले भी नहीं थे, उनमें से एक ये छोटा हिस्सा था, वो किस चीज की तरफ ध्यान ले जा रहे हैं कि देश में जो विचारधारा चल रही है वो किस तरफ हमको ले जा रही है। अगर हम सनातन की बात करते हैं तो क्या आप मैं सनातन नहीं हो सकते, सनातनी नहीं हो सकते, क्या सब सिर्फ सनातनी होंगे, सनातन धर्म क्या है, मनुस्मृति है या और कुछ है, कि वेदों के और पुराणों की जो बातें हैं वो है, कि महाभारत है, कि गीता है, कि रामायण है, क्या है सनातन धर्म, क्या है दूसरे धर्मों में ग्रंथ हैं, एक सीमित दायरा है, कुरान है तो कुरान है, बाइबल है तो बाइबल है, हिंदू धर्म में तो सनातन की बात आप करते हो तो किस चीज की तरफ आप बोल रहे हो। उसके आगे उसकी और बातें हैं, अभी डिटेल में जाएंगे बात अलग हो जाएगी। तो अगर आप अब ऐसा कर रहे हो कि वन नेशन वन थिंग, तो नेक्स्ट क्या है, वन नेशन वन रिलीजन एंड वन नेशन वन सनातन, उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है मनुस्मृति में, उसमें अनुसूचित जाति की स्थिति क्या है मनुस्मृति में, क्लैरिटी किस चीज की है, तो आप देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हो। वन नेशन के नाम पे वन थिंग, वन नेशन वन थिंग, वन नेशन वन थिंग, वन नेशन वन थिंग, वो क्या कह रहे हैं कि बाकी देश के जो भाषाएं हैं, जो सभ्यताएं हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जो उनकी संस्कृति है, वो सब हट के एक हो जाएगी। इतिहास के रास्ते में देश के अलग अलग कोने में अलग अलग सभ्यताओं के प्रगाढ़ जड़े हैं, गहरी जड़े हैं, और वो सब अपने आप को भारतवासी मानते हैं। अब उनके ऊपर अगर आप एक वन नेशन वन थिंग लागू करोगे तो उस दिशा में देश जाने की संभावना दिख रही है, और ये चिंता का विषय, ये चिंता उन्होंने व्यक्त की थी, बड़ी गहरी गंभीर चिंता, मुझे भी वो चिंता है जी, आपको भी है, क्योंकि टीएस बाबा के पास हर इलेक्शन का, हर स्टेज के इलेक्शन का अपना एक्सपीरियंस है, लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। राहुल गांधी जो आज जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रहे हैं, या अलग अलग मुद्दों पर वो वोकल हो रहे हैं, कैसे देखा है आपने उनके इस जर्नी को, कितना वो आगे निकल पाए हैं, और क्योंकि आपके पास तो गांधी परिवार, गांधी फैमिली के साथ काम करने का भी एक अलग अनुभव रहा है आपका, तो कैसे देखते हैं आप? मैंने उन्हें जैसा सबके साथ होता है, हमारे आप सबके साथ होता है, ग्रो करते देखा, संघर्ष करते हुए देखा, ठोकरें लगते हुए देखा, खड़े होके आगे चलते हुए देखा, और एक मैच्योर होके एक मैच्योर लीडर के रूप में सामने आते देखा। तो 21 साल के अंदर अगर आप कहें, मैंने राहुल गांधी जी को पहले देखा कि वो लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, युवा पीढ़ी से मिल रहे हैं, एकदम से एक माहौल देश में बना, वो फ्यूचर लीडर, देश का फ्यूचर लीडर। फिर दुष्प्रचार सामने आता है, प्रचार सामने आता है, उनकी छवि को डाउन करने का आता है, उनको व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने का आता है, जिसका असर हमने देखा। यहाँ हारे तो राहुल गांधी की वजह से हारे, जीते तो नहीं, जीत का क्रेडिट उनको नहीं मिला वैसा, हार हुआ तो राहुल गांधी, कुछ कमी हुई तो राहुल गांधी, कुछ अच्छा हुआ तो नो राहुल गांधी। तो एक बड़ा संघर्ष, अब आपको डाउन किया जा रहा है, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स है, इट्स अ हार्ड वर्ल्ड, कड़ा संघर्ष रहता है, उस कड़े संघर्ष में आप भाग ले रहे हो और आपको डाउन किया जा रहा है, तो आप, आपका, आपकी जो आत्मविश्वास की बात है, आपके गहरे कॉन्फिडेंस की जो बात है, वो टूट सकती है इसमें। आपको व्यक्तिगत तौर पे आपको छोटा दिखाया जा रहा है कि आप
कुछ लायक ही नहीं हो, कुछ नहीं आता, आप ये कर रहे हो, कहीं कुछ फाड़ रहे हो, इत्यादि इत्यादि। अब वहां से जज हो रहे थे आप। माइन्यूटली मैं देख रहा था कि मेरे पार्टी के एक फ्यूचर लीडर, नेशनल लीडर के साथ ये हो रहा है, अब वो कैसे करते हैं, कैसे डील करेंगे इन चुनौतियों के साथ, अब वो कैसे खड़े होके आगे चलेंगे। वो मैंने देखा कि उनमें वो कैपेसिटी थी कि ये सबको लेने की कैपेसिटी, क्रिटिसिज्म को लेने की कैपेसिटी, खास करके प्रजातंत्र में या किसी भी व्यवस्था में अत्यधिक अहम है। जब कोई आपके लिए अच्छा अच्छा बोलता है तब तो चलिए मुस्कुरा के सब निकाल दीजिए, जब खराब बोलता है तब भी मुस्कुरा सकते हैं कि नहीं, वो आपके अंदर वो मुस्कुराहट है कि नहीं, आपके अंदर वो आत्मविश्वास है कि नहीं, वो आपके अंदर वो सोच है कि नहीं कि मुझे अच्छा करना है। तो एक चीज जो पहले दिन से आज तक मुझे राहुल जी में दिखती है कि वो अच्छा करना चाहते हैं, और ये अलग अलग स्टेजेस से वो आगे आ रहे हैं, आज की स्थिति में है, अब कल का भविष्य है जी। अब आते हैं सर छत्तीसगढ़ पर, लगभग 9 महीने का समय हो गया है, क्योंकि MP छत्तीसगढ़ लगातार मैंने कवर किया जब इलेक्शंस थे, विधानसभा के भी और लोकसभा के भी। छत्तीसगढ़ के रिजल्ट्स को लेकर जब बात निकल कर जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो हम लोग भी शॉक थे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इतना एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा ड्रास्टिक कांग्रेस की परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा या फिर रिजल्ट इतने विपरीत आएंगे। जी, मैं भी अनुमान नहीं लगा पाता था। एक हम लोग के बीच से नारा था 75 पार, अब की बार 75 पार, तो वो तो मैं कन्विंस था कि 75 पार वाली तो बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने काम भी किए हैं, अच्छे काम भी किए हैं, एजुकेशन के फील्ड में भी, हेल्थ के फील्ड में भी, डेवलपमेंट के फील्ड में भी, सोशल वेलफेयर के भी फील्ड में काम किए हैं, तो जीतेंगे। तो 50-52 से ज़्यादा सीटें आएंगी, तो 50-52-55 बहुत अच्छा होगा, तो शायद 60-52-55 सीटें आएंगी, ये मेरा अंदरूनी आकलन था। वो 35 पे चली जाएगी मैं नहीं सोच पाया। छत्तीसगढ़ में तो हाल फिलहाल में लगता है नारा किसी को सूट ही नहीं किया। लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग इसमें? कांग्रेस हारी कहाँ? तीन सेक्शन में छत्तीसगढ़ को देखिए, 90 सीटें हैं। एक सेक्शन देखिए ट्राइबल बेल्ट, नॉर्थ एंड साउथ छत्तीसगढ़। साउथ बस्तर 12 सीटें, नॉर्थ सरगुजा 14 सीटें। इन 26 सीटों में पिछले चुनाव में कांग्रेस 25 में जीती थी, बाय इलेक्शन में 26वां भी जीती, लेकिन अपन 25 ही पकड़े, ठीक है। इस बार 4 में जीती है, 26 में 4 में जीती है, तो हम 21 सीट पीछे गए पिछले बार से, 21 सीट्स। दूसरा सेक्शन छत्तीसगढ़ का देखिए, अर्बन सीट्स, जिसमें 50% या उससे ज़्यादा की आबादी है, कहीं 100%, कहीं 50 या उससे आसपास की, 20 सीटें, उसमें कांग्रेस 16 सीटें जीती थी, अब की 3 जीती है। एक और डेमोग्राफिक और ज्योग्राफिकल सेक्शन अर्बन एरिया का, जहाँ 13 सीटों का नुकसान हुआ, तो 21-13-34 सीट आपकी चली गई, तो 68 में 34 में आप 34 पे आ गए, 34 सीट कम हुई, सीधे आधी हो गई, हर जगह नुकसान आपने उठाया। हाँ, अब जो बाकी 44 रूरल सीट्स कह सकते हैं, माइनस ट्राइबल बेल्ट एंड अर्बन एरियाज, उसमें पिछले बार 27 आई थी, इस बार आप करीब करीब सेम थे, आपकी 28 पे थे, यहाँ आपको नुकसान नहीं हुआ, एक सीट बल्कि बढ़ी, तो आप 35 पे आ गए। तो आपको ये देखना होगा कि बस्तर में क्या हुआ, क्यों एकदम से ट्राइबल बेल्ट में, जहां आपने डेवलपमेंट भी किया, नक्सल एक्टिविटीज़ भी कंट्रोल हुए, अच्छे अच्छे काम हुए, फिर वहां पीछे क्यों रह गए? सरगुजा 14 वहां क्यों पीछे रह गए? अलग कारण हो सकते हैं, भले ट्राइबल बेल्ट हो। शहर अर्बन वोटर का कॉन्फिडेंस पिछले बार ट्रेडिशनली बीजेपी के पास रहता है, हाँ बिल्कुल, पर पिछले बार 20 में से 16 कैसे आई? क्योंकि उन्होंने विश्वास दिखाया। हाँ, बड़ा हाँ, बड़ा विश्वास दिखाया। अब की 3 पे क्यों हो गए? क्या विश्वास को रिटेन नहीं कर पाए? बिल्कुल, लोग हार गए। बाकी हाफ ऑफ छत्तीसगढ़ में रहा, 44 में रहा, 46 में नहीं रहा, 46 में वॉश आउट हो गया, 44 में मेंटेन रहा, वहां हार गए। अभी जो मौजूदा सरकार है विष्णुदेव साय की, उनके अब तक के कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं आप? मैंने
मीडिया ने जब ये सवाल शुरू में पूछा था तो मैंने कहा कि एक साल तक नहीं बोलूंगा। अच्छा, कि एक साल काम करने दीजिए, सामने गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट है, बहुत नए चेहरे हैं, बहुत नए मंत्री हैं। पहली बार जो जीत के आए हैं वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, मिनिस्टर बने हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम MLAs को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर फर्स्ट टाइम MLAs एंड कई मिनिस्टर्स फर्स्ट टाइम MLAs। तो एक साल काम करें फिर बोलें। लेकिन इतना काम में नियंत्रण का अभाव दिखेगा ये मैंने अनुमान नहीं लगाया था। और अब बोलने की स्थिति आ जा रही है, बोलना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति आ जा रही है। साल भर पहले से बोलना पड़ रहा है। हाँ, कि अब अगर आप पूछो और ना बोलो तो ये लगता है कि फिर आप छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से कुछ कह नहीं रहे। पार्टी कांग्रेस बीजेपी तो अपने जगह है, ठीक है, वो तो कांग्रेस है तो अच्छा है या बुरा है, बीजेपी है तो अच्छा है बुरा है, जिस तरफ हो आप बोल देते हो। लेकिन फील्ड में जो हो रहा है वो ठीक है क्या? कंट्रोल नहीं दिख रहा है। किस तरह का? लॉ एंड ऑर्डर के केसेस देखिए। कल ही कवर्धा जिला है जी, जी, यहाँ से जो जिला पंचायत के सदस्य थे वो पहली बार विधायक बनते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है उनको और होम डिपार्टमेंट उनके पास है। कुछ ही दिन पहले एक घटना होती है वहाँ, और भी घटनाएं उसके पहले भी वहीं हुई। एक घटना होती है कि एक व्यक्ति को फांसी लगा हुआ स्थिति में पाया जाता है और उनकी लाश ठीक छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के पार, समझिए बस आपने नक्शे की लकीर क्रॉस की और मध्य प्रदेश के पेड़ में टांगी हुई लाश मिलती है। उसकी प्रतिक्रिया में, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा, एक ही समाज के थे, साहू समाज के लोग थे, वो लगभग 95% शायद साहू समाज बहुल्य गांव है, लोगों को लगा कि नहीं, ये जो गांव वाले हैं इनने ऐसा किया, ये घर वाले हैं। तो मॉब जाता है और वहाँ पर घर पे अटैक करता है, आग लगाता है, गैस सिलेंडर फटता है और उप सरपंच की डेथ हो जाती है। जहाँ गृह मंत्री हैं वहाँ स्थिति ऐसे कंट्रोल के बाहर है। और अभी क्या होता है कि एक व्यक्ति जेल में है, जेल में मृत्यु हो जा रही है। ये हाल के, मैंने इमीडिएट हाल के दो घटनाक्रम बताए। जबकि कांग्रेस की सरकार जिस समय थी तो बीजेपी रायपुर को चाकूपुर कहती थी। और आप देखें, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि देश में खास करके आज़ादी के बाद कलेक्टर और SP के ऑफिस को आग लगा दी गई हो। आप प्रशासन के प्रमुखतम जो पद एक जिले में होते हैं उनके कार्यालय को जब कलेक्टर और SP उन कार्यालयों में मौजूद हैं आग लगा दी जाए और आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं तो नियंत्रण कैसा है? कांग्रेस बीजेपी अपने जगह है। जो नियंत्रण की बात है कि आप सरकार में हैं, इन गतिविधियों को आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ये घटना के एक आध दो घंटे पहले ही उस परिसर में 100-200 लोगों की भीड़ एकत्रित हो चुकी थी, जिनके पास कुछ ऐसे वो थे, पेट्रोल बम या क्या बम कहते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ ऐसा था। तो टोटल फेलियर। एक बहुत बड़ी बात है कि कलेक्टर SP कार्यालय को ही आग लगा दी, फूंक दिया जाए जी। आंदोलन हो रहे हैं, उसमें लाठी चार्ज हुआ, गैस फेंका गया, वाटर कैनन चलाया गया, ये तो अब सामान्य सी बात हो गई। तो ये दर्शाता है कि जो अनुसूचित जाति समाज के प्रमुखतम गुरु माने जाते हैं, जहाँ उनने साधना की थी, वहाँ के जैत खंभों को काट दिया जाता है और आपको पता नहीं चल पाता है, आज तक नहीं पता है कि किसने किया। तो सामाजिक अनरेस्ट, एक बड़ा वर्ग समाज का जो 10% आबादी छत्तीसगढ़ की है, उनके गुरु का ऐसा अपमान होता है और आज दिनांक तक आप पता नहीं लगा पाए कि क्या हुआ। उसी घटना से जुड़े हुए जो प्रदर्शन होता है, आंदोलन होता है, उसमें कलेक्टर SP कार्यालय जुड़ जाते हैं। लिंचिंग की बात चल रही है तो लिंचिंग का भी मामला सामने आया, बताया जा रहा है कि नहीं तो उन्होंने सुसाइड कर ली। फिर आप कवर्धा जिले हम पहुंचते हैं, एकदम से जंप करके चले जाइए तो वहां देखिए वहां क्या स्थिति हो रही। तो सरगुजा में जाइए, वहां एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और परिवार वाले पुलिस के पास जाते हैं, कहते हैं कि ये लापता हैं, इनका पता करिए, हमको कुछ ऐसा लग रहा है। पुलिस कहती है उन परिवार वालों को कि नहीं, ये तो चोरी करके भाग गया। आप इम्प्रेशन देखिए दिमाग में क्या पड़ता है। और अभी कुछ दिन पहले ये पता चला कि उस व्यक्ति की लाश को एक जो जल जीवन मिशन के गांव के क्षेत्र में पानी की टंकियाँ बन रही हैं उसके नीचे 15 फीट नीचे दफना के, कंक्रीट करके दफना के उस वहाँ पर उसको गाड़ दिया गया।
इम्प्रेशन पब्लिक के पास गया, क्या गया? बीजेपी कांग्रेस हटा दीजिए कि प्रशासन उस परिवार को कह रही है, हाँ, ट्राइबल परिवार है, कि तो चोरी करके भाग गया, तो कॉन्फिडेंस क्या रह गया? Exactly. और वही पुलिस कुछ दिन बाद मुर्दे तक, लाश तक पहुंचने में सफलता हासिल करती है, और अब स्थिति क्या होगी? कोई विश्वास टूट गया पूरा। लेकिन बीजेपी कहती है जो ये अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, बलौदा बाजार हिंसा अब के में कांग्रेस के विधायक जेल के अंदर हैं, तो इस तरह से बीजेपी कहती है कि जानबूझ के ये अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जो बलौदा बाजार में घटना हुई उसमें बलौदा बाजार के बीजेपी के जो जिले के अध्यक्ष हैं वो सतनामी समाज के चार प्रमुख लोगों के साथ कलेक्टर के पास जाते हैं और इस कार्यक्रम के लिए जोर दे के अनुमति मांगते हैं, यानी उनने कार्यक्रम कराने की अनुमति ली और फिर वो कार्यक्रम का आयोजन होता है। वहाँ अनुमान था कि 10-15 हज़ार लोग आएंगे, उसमें चंदा करके उनके भोजन की व्यवस्था कराई जाती है जी, जिसमें पूरी तरह से बीजेपी भी आगे, सतनामी समाज का जी। जो कांग्रेस के विधायक अभी जेल में हैं वो जब आते हैं तो उनको मंच पे भी नहीं चढ़ने दिया जाता है, क्योंकि समाज कहता है कि नहीं, समाज का कार्यक्रम है, तो नीचे बैठते हैं और 10 मिनट बाद वो चले जाते हैं, उनकी संलिप्तता हो जाती है। लेकिन जो कार्यक्रम की अनुमति लेते हैं और सारा आयोजन कराते हैं उनकी कहीं संलिप्तता नहीं दर्शाई जा रही है, तो ये फिर कांग्रेस बीजेपी हो गया। ऑन मेरिट्स आप कार्रवाई करो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, कोई दिक्कत नहीं। महिलाएं फ़ोन कर रही हैं मेरे को, कोई बहन है, कोई पत्नी है, उनके बराबर फ़ोन आते थे कि हमारे तो घर के थे वो थे ही नहीं वहाँ, उनको भी बंद कर दिया गया। आप 160 से 200 लोग बंद हैं और उन लोग जिस वजह से बंद हैं वो ओरिजिनल जो घटना है उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं हो रही। ऑर्गेनाइजर्स थे या जिन्होंने, ऑर्गेनाइजर्स प्लस गुरुजी के जैतखम को जो काट दिया गया, आरी से काट दिया, जिन्होंने किया जो कल्प्रिट थे जी, और वो ये बढ़ाई वाली आरी नहीं है, वो हैक्सॉ है, मशीन वाली आरी है, तो उसको चढ़ के वहां तक लोग ले गए, काट दिया, एकदम एक शब्द नहीं बोला जा रहा है उसके बारे में। ये गवर्नेंस, उचित गवर्नेंस नहीं है। अब मैं आती हूँ स्टेट कांग्रेस के ऊपर। 2.5 महीने में बहुत बड़े प्रोटेस्ट कांग्रेस ने किए, काफ़ी एग्रेसिवली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों ही स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनमें एक अलग सा उत्साह दिख रहा है। 15 बड़े प्रोटेस्ट होते हैं लेकिन टी एस बाबा कहीं नहीं थे। नहीं, मैं उनमें से कई में था। अच्छा, और दूसरा वो व्यक्तिगत बात हो जाती है, वाइफ इल थी। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं 7 महीने तो मैं बॉम्बे में ही और दिल्ली में था, हॉस्पिटल में उनके साथ जी, था जी। तो एक वो कारण है, तो इसमें पॉलिटिकल ओवरटोन कहीं नहीं है। अच्छा, कि मैं कांग्रेस में रहते हुए मैं पीछे कर रहा हूँ या नहीं काम कर रहा हूँ। मान लीजिए अभी मेरे को दिल्ली में ड्यूटी मिल गई कि मैनिफेस्टो में आप अपनी भागीदारी रखिए, तो अब रायपुर में कार्यक्रम हो रहा है तो मैं कैसे करूं? और जब जब मैं रहा हूं तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं उसमें मैं रहा। दीपक बैच को पार्टी ने फ्री हैंड दे दिया है और लेकिन दीपक बैच की टीम नहीं बन पा रही, क्या एक बड़ा सवाल उनके आगे ये भी हो सकता है कि जितने सीजनड हैं सब जो बड़े लीडर्स हैं उनको कैसे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाया जाए या कहाँ किसको एडजस्ट किया जाए? दीपक जी सबसे बात भी कर रहे हैं, सभी सीनियर लीडर से बात भी कर रहे हैं, मेरे से भी उनने बात की, भूपेश से भी बात की होगी, महन जी से भी बात की होगी, अन्य जो सीनियर लीडर्स हैं, धनेंद्र साहू जी हैं, सत्यनारायण शर्मा जी हैं, अकबर जी हैं, रविंद्र चौबे जी हैं, अन्य लीडर्स आप छत्तीसगढ़ से परिचित हैं, अपन नाम ले जी, सकते जी, हैं। हाँ जी। तो कंसल्ट करके मेरी जानकारी में ये निर्णय हुआ है कि एक तो जो पद खाली हैं, कांग्रेस छोड़ के चले गए या जिस कारण से वो पद खाली हैं उनको तत्काल भरा जाए, और कुछ ऐसे जगह जहाँ की वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों को बदल के कुछ नए लोगों को जवाबदारी दी जाए। ये अभी चल रहा है और मेरे ख्याल से हो जाएगा। एक बड़ा चेहरा, आदिवासी चेहरा है नंद कुमार साय, आए थे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में लेकिन वापस से अब चले गए हैं बीजेपी में। वो जल्दबाजी में ही लिया गया मैं मानता हूँ जी। बहुत जल्दी ये सब नहीं करना चाहिए, लेना करना जोड़ के जोड़ना जल्दी नहीं करना चाहिए। मैं कभी इस पक्ष में नहीं रहा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है तो एक सस्टेंड होना चाहिए। आज एक्शन लिया कल फिर वापस आप ले लो, दूसरे पार्टी के लोग हैं, यथासंभव पूर्ण
परहेज होना चाहिए लेने के लिए कि आप वहाँ हो, अपने विचार से चलो, हमारे विचार ये है, तो आज आपकी विचारधारा कुछ और है, दूसरे दिन एकदम विपरीत विचारधारा में आप बोलने लगोगे, तो मेरे को वो जमता नहीं है। अच्छा। तो केवल उनकी बात नहीं है, एज अ पॉलिसी मैं इस बात का पक्ष, मैं पक्षधर नहीं हूँ कि ये आना जाना ऐसा। आप डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर जो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं उनके सीएम बहुत वोकल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा था, और अगर हम इस पर आए कि भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर या प्रलोभन देकर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और बीजेपी तो बहुत खुलकर ये बात उठाती है कि कांग्रेस का पुश रहा है इस तरह की नीतियों को बढ़ावा देने में। मुझे याद है जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो ये बात कही जाती थी कि सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म में लोगों का जुड़ना, धर्मांतरण होना ये हुआ था। जोगी जी जो ईसाई समाज के थे उस समय की बात नहीं आती है, रमन सिंह जी के समय सबसे ज़्यादा बात आती है, तो ये तो पॉलिटिकल बात होगी। आप ईसाई समाज की प्रतिशत जनसंख्या देखिए, आज़ादी के पहले से ये बढ़ा है, आज़ादी के पहले से, अंग्रेजों का शासन जब था उस समय आप सरगुजा के उदाहरण देखिए तो 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें ईसाई करीब 26 थे, आज 2 लाख होंगे, जहाँ 26 थे अब 2 लाख, 2 लाख होंगे। तो ये आज़ादी के पहले जो ट्रेंड चला होगा या उनकी जो एक्टिविटी हुई होगी वो हुआ होगा। अब जो समाज में धारणा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो ये है कि नहीं, धर्मांतरण हम पक्ष में नहीं। और जैसे बगल के दिलीप सिंह जोदेव जी थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, उनने घर वापसी का एक कार्यक्रम चलाया था, तो ठीक है, प्रलोभन बिल्कुल नहीं, धर्मांतरण ये अब जो हैं धर्म के, जिस धर्म के लोग हैं उनको अपना विचार और अपने उसके हिसाब से फॉलो करिए, आगे के लिए विस्तार नहीं, सीलिंग। एक आखिरी सवाल आपसे सर, नक्सलवाद को लेकर लगातार केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग मुहिम चलाई जा रही है, और अमित शाह ने ये बोला है हर मंच से कि बहुत फायदा भी हो रहा है, बहुत नक्सली जो है वो वापस आ रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, तो 2 साल में पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा नक्सलवाद का, ये उन्होंने लक्ष्य रखा है जी, और ऐसे लक्ष्य रखे भी जाते हैं अंजाम तक पहुँचने के लिए, वो अच्छी बात है, पर लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बात है वो राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की नहीं, केंद्र सरकार सहयोगी है। आज भी जो स्टेट में जॉइंट फोर्सेस का जॉइंट कमांड है वो मुख्यमंत्री के पास है, तो ठीक है, वो अपना माइलेज लेने के लिए कहा जाता है कि हमने किया है, और केंद्र सरकार के कई बलों का सहयोग लगता है, जब छत्तीसगढ़ बना था तो शायद 4 या 5 कंपनियाँ थीं, आज 60 से ऊपर होंगी। अच्छा। तो स्थिति जैसे बढ़ी नक्सल गतिविधियों की, वैसे बल भी बढ़ा। तो ये परस्पर सहयोग ये हमेशा बना रहना चाहिए, राजनीति से अलग होके बने रहना चाहिए, और राज्य सरकार को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा। बात आ गई श्रेय की, बस ये पक्का ये आखिरी सवाल रहेगा, ये पर्सनल है मेरा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर वो फॉर्मूला पहले आजमाया जाता सामंजस्य बैठाने के लिए तो क्या रिजल्ट विपरीत होता? अब ये होने के बाद तो ये कह ही सकते हैं, वो 2.5 साल की बात चलती थी जी जी, तो बहुत लोग हैं कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो हाँ गवर्नमेंट हमारी आ जाती, ठीक है, चर्चा का विषय है। नहीं, आप क्या सोचते हैं? संभावनाएं तो है ही है, क्योंकि एक रिजल्ट आ गया, शायद कुछ और करते तो शायद कुछ और होता। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी, टीएस बाबा, और उम्मीद करते हैं कि बेबाकी के साथ जिन्होंने सवालों के जवाब दिए वो आपको पसंद आएंगे। अपने जो भी आपके कमेंट्स होंगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।